इंसानी विकास का पृथ्वी पर एक लंबा इतिहास रहा है। हमारे पूर्वजों का कठिन परिश्रम हमें आज यहाँ तक ले आया है। जब वह आदि मानव के रूप में थे, तब से ही उन्होंने आधुनिक मानव जीवन की नींव रख दी थी। वर्तमान में मानव एवं उसके सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताएं एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान से रूप में आई है, लेकिन इसके विकास पर अनेक भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण आज भी पूरे विश्व में विभिन्न मानव प्रजातियां एवं मानव समाज पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मानव का विकास टर्शियरी युग के प्लेस्टोसीन में आरंभ हुआ था। अब तक खोजे गए जीवाश्मों के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव का पहला पूर्वज आज से 7 करोड़ साल पहले अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता रहा होगा। अफ्रीका महाद्वीप में ऐसे ही मानव समकपियों जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला आदि की उत्पत्ति हुई। इन कपियों को प्राइमेट कहा जाता था। यह मानव के समान बिना पूंछ वाले कपी थे। आज के होमो सेपियंस का उद्भव हुआ विकास नियंडरथल मानव से हुआ है। नियंडरथल नामक मानव ही हम मानव में ही बदल सके, क्योंकि इनका काफी हद तक मानव के समान ही स्ट्रक्चर था। इनकी भी पूंछ नहीं थी, इन्हीं कारण बाकी सभी कपी आज भी कपी ही रह गए और बाकी नियंडरथल मानव के रूप में बदल गए। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि नियंडरथल की आयु 20 से 30 वर्ष की ही रही होगी। भारत के शिवालिक पर्वत श्रेणी में रामापिथिकस का सर्वप्रथम जीवाश्म मिला है, जिसे प्राचीन मानव का जीवाश्म साक्ष्य माना जाता है। दोस्तों, अब सवाल यह भी आता है कि आखिर आज भी वह मानव मानव क्यों बना हुआ है, वह कुछ और क्यों नहीं बन जाता। दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है कि आप सभी को याद ही होगा कि आपके पूर्वजों के चेहरे और शरीर पर काफी बाल हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी पीढ़ियां बदलती गई, वैसे वैसे बालों की मात्रा भी कम होती जा रही है। अगर यह बदलाव नहीं तो क्या है। दोस्तों, बंदर से मानव बनने में 6 करोड़ साल का समय लग गया था। शायद आज भी हम बदल रहे हों, आने वाले करोड़ों साल में हम कुछ और भी बन जाए। एक सवाल यह है कि पहले कौन सा जीव, यानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। जीवन का विकास कर्मिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने, उसके बाद बहुकोशिकीय जीव बने। जीवन का विकास पहले पानी यानी समुद्र में शुरू हुआ, उसके बाद जमीन पर आया। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों साल बाद हुआ था। अब हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्यों से करोड़ों वर्ष पहले आए थे।